हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो में हम अपना जो यूपी का टीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था, कौन सा वाला, 2021 वाला, मतलब 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम क्या देखेंगे आज, सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन मतलब हम इसके आंसर्स देखेंगे और हमारे जो आंसर्स हैं वो हमने आंसर की से मैच करके बताए हैं, ठीक है। आंसर की जो आयोग द्वारा जारी की जाती है उसमें जो आंसर दिया गया है वही आंसर मैं आपको इन क्वेश्चनों का बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा सेट है ये है सेट नंबर सी, ठीक है। सेट सी का सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ और इसमें एक मुख्य बात यह है कि इसमें 3 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर आयोग द्वारा गलत बताया गया है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कोई ना ये मत करना कि मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता रखा है। जो गलत बता रखा है वो आयोग के द्वारा ही बताया गया है और वो टोटल कितने हैं, 3 से 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं अभी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, कौन सा इनमें से लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। तो वो होता है हमारा सेंट्रियोल्स, जो कि किसमें मिलता है, एनिमल सेल में देखने को मिलता है और ये मदद करता है किसमें, सेल डिवीजन में, ठीक है, या सेल प्लेट फॉर्मेशन में। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या जो एम्बर है ये किसका फॉसिलाइज्ड फॉर्म होता है। तो एम्बर जो है ये हमारा होता है हार्डन्ड रेजिनियस सीक्रीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो निडल पाइनस के किस स्पीसीज में हमको देखने को मिलते हैं, दो निडल उसके ड्वार्फ शूट में। तो जो हमारा पाइनस सिल्वेस्ट्रिस होता है इसके ड्वार्फ शूट में हमको दो निडल देखने को मिलती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारी ग्रैमिनी फैमिली है इसमें लोडिक्यूल्स जो हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट जो करते हैं वो करते हैं पेरियंथ को। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर में टेंटोनियम हमको कहाँ पर देखने को मिलता है। वो देखने को मिलता है हमें इसके सिर में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि जो हमारा साइकस का स्पर्मेटोजोआ है वो कैसा होता है। तो वो होता है टॉप शेप्ड और मल्टी सिलिएटेड। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा पिला है, पिला में जो रेडुला है, रेडुला के प्रत्येक रो में कितने दांत मौजूद होते हैं। तो वो होते हैं हमारे 2, 1, 1, 1, 2, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग, मतलब हम आपको इसको क्या बतानी है, मैचिंग बतानी थी। तो देखो, जो हमारा न्यूमॉर्फ होता है, न्यूमॉर्फ का मतलब होता है प्रोड्यूस ए फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड जीन, कहने का मतलब है ए का क्या होना था, ऑप्शन नंबर 3। अगला ऑप्शन है हमारा एपिस्टेटिक जीन। तो एपिस्टेटिक जीन का मतलब होता है मास्किंग द एक्शन ऑफ एनदर जीन, मतलब बी का क्या था, 2 था, ठीक है। सी है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस हम किसे बोलते हैं, जो हमारा कोडोमिनेंस होता है, कोडोमिनेंस का मतलब होता है ए कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, मतलब सी का क्या था, 4 था, ठीक है। अब बचा डी, डी का क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी मैचिंग है ये किस में आ रही है, हमारे ऑप्शन नंबर ए में आएगी, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं, देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट है, मतलब RQ है ऑर्गेनिक एसिड का, कितना होता है। तो वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, डैश वॉज नॉट गिवन बाय डार्विन, इसमें से कौन सी थ्योरी डार्विन ने नहीं दी है, पेंजेनेसिस, म्यूटेशन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो जो हमारी म्यूटेशन की थ्योरी है ये किसने दी है, ह्यूगो डेविरेज ने, मतलब इसका करेक्ट आंसर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या, जो हमारा एम्ब्रियो सैक है इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो किसके वॉल से घिरा होता है, ठीक है। तो आयोग ने जो इसका आंसर बता रखा है वो हमारा क्या बता रखा है, मेगा स्पोर, लेकिन इसका आप बुक में देखेंगे तो मेगा स्पोरेंजियम आंसर दिया होगा आपको बहुत सारी बुक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या कि जो लिटमस है वो हमें किससे मिलता है, तो जो लिटमस मिलता है हमें लाइकन से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वो बताओ जो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए कोड करता है और वो क्या हो,
इनिशिएटर हो, तो वो होता है हमारा जी यू जी। जब भी आप इसको देखेंगे तो जी यू जी फॉर्मेलेटेड मैथ्यूनिन का आंसर होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, समटाइम्स ए सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मैनी सेकेंडरी इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेलियोट्रॉपी। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि मतलब जो कोलंबा कबूतर को पैक्टेन किससे बना होता है, मतलब कबूतर में जो पैक्टेन मिला होता है ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है हमारा स्क्लेरा से। स्क्लेरा नहीं 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 स्क्लेरा से नहीं, जो आयोग ने दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए कोरोइड, आयोग ने दे रखा है कि ये कोरोइड से डिराइव्ड होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, डैश इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म और नॉट बेनिफिटेड, एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना हानि ना लाभ, तो इसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, रिलेशनशिप बताना है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो कि क्या है, अलग अलग ऑर्डर के हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो इसमें लिखा है हम उसको फूड चेन और फूड वेब दोनों बोलते हैं, मतलब फूड वेब और फूड साइकिल ये दो ऑप्शन बोलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी माना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, जो रेड ड्रॉप इफेक्ट है वॉज स्टडीड बाय, ये किसने स्टडी किया था, तो ये हमारा स्टडी किसने किया है, एमर्सन ने स्टडी किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेलवे के जो स्लीपर हैं, रेलवे के स्लीपर बनाने में हम किसकी लकड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम उपयोग करते हैं किसका, शाल की लकड़ी का। ठीक है, शाल का साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबस्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय, जब भी थ्योरी का नाम आए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नेचुरल सिलेक्शन, हमेशा आंसर क्या होता है, डार्विन होता है, डार्विन में भी चार्ल्स डार्विन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारी फैमिली कैरियोफिलेसी है इसमें प्लेसेंटन कैसा होता है, तो इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो हमारा कैसा होता है, फ्री सेंट्रल। अगला क्वेश्चन है जो हमारी मधुमक्खी है मतलब हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई मतलब जो हमारी मक्खी है इसमें जो हाइंड विंग्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं लिटर होल्टर्स में, और फ्लाइट के दौरान मतलब उड़ने के दौरान वो क्या करते हैं, तो वो हमारे क्या करते हैं, बीट एट द सेम रेट एज फोर विंग। ठीक है, इसका आंसर भी आयोग ने बी माना है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड, किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य और आंतरिक दोनों संरचनाएं परिरक्षित होती हैं, तो हमारा क्या है, पेट्रीफिकेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रैबर ऑर्गन इन यूनियो, यूनियो में जो कैबर्स ऑर्गन है उसका काम क्या होता है, तो वो होता है हमारा सीक्रेटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनमें से क्या नहीं करता है, तो वो हमारा क्या नहीं करता है, स्टिमुलेट पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है कि जाइगोट अंडरगो मियोसिस, ये कंप्लीटली गलत होता है, किसके लिए, ब्रायोफाइट्स के लिए, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जो जाइगोट है ये क्या करता है, माइटोसिस करता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, जो हार्डे विनबर्ग का इक्विलिब्रियम है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, म्यूटेशन नेचुरल सेलेक्शन नन या बोथ, तो देखो जो हमारा म्यूटेशन और नेचुरल सेलेक्शन ये दोनों अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से वो बताना है जो करेक्ट नहीं है, तो देखो जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें लिखा है ओनली जिब्रेलिन आर अफेक्टिव इन
प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो ये गलत है क्योंकि इसमें ओनली जिब्रेलिन लिखा है। जब आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो इसमें लिखा है ऑक्सिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो कहने का मतलब है जिब्रेलिन और ऑक्सिन दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि जो लाइकेंस हैं वो हमारे गुड इंडिकेटर किसके होते हैं, तो वो होते हैं एयर पॉल्यूशन के। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है दंत विन्यास बताना है हमें किसका, रैबिट का मतलब खरगोश का, तो हमारा जो दंत विन्यास होता है वो कौन सा होता है, 2033 1023, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा निसंदक भेजी नहीं है, तो हमारी जो एस्टेरियासिस होती है ये हमारा इसका ऑप्शन नहीं है, मतलब ये फिल्टर फीडर नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नोड ऑफ रेनवियर जो है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है एक्सोन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है एलुवियल सॉयल इज ए टाइप ऑफ, एलुवियल सॉयल एक किस प्रकार की मृदा होती है, तो ये होती है हमारी कौन सी, अजोनल सॉयल, मतलब अक्षेत्रीय मृदा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बिवरेज यील्डिंग कॉफ़ी, कहने का मतलब है कॉफ़ी अरेबिका ये जो है ये किस फैमिली का मेंबर है, तो ये हमारा फैमिली है रूबिएसी। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, इसकी जो स्टडी है वो किसने स्टार्ट करी थी, तो वो हमारी किसने द्वारा करी गई है, पी एल स्क्लेटर के द्वारा। ठीक है, आयोग ने जो आंसर माना है वो ए मान रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन में हमसे है क्या, व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर, डिफ्यूजन होना है वाटर का एक सेल से अदर, तो वो क्या या किस पे निर्धारित करता है, डीपीडी पे निर्धारित रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ, जो आप चॉकलेट खाते हैं वो किसके सीड से मिलता है, तो वो होता है हमारा थियोब्रोमा कैकाओ। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लैमार्क थ्योरी को किसने चैलेंज किया था, तो वो किया है किसने, वीसमान ने, वीसमान चैलेंज करता है लैमार्क थ्योरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा इन बैक्टीरिया जब फ्लैजिला रहते हैं एक ही पोल पर तो हम उसको क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया किस में आते हैं, तो वो आते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे मॉसिस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो विद इन, मॉसिस और फर्न में जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है वो हमारा किसके अंदर बनता है, वो बनता है आर्किगोनियम के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा युगलिना है वो किस क्लास में आता है, तो हमारा युगलिना आता है किसमें, फाइटोमेस्टिगोफेरा में। अगला क्वेश्चन है बाइस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो से किसमें बनता है, तो ये हमारा बनता है अलियम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो चीज़ बताओ या वो हार्मोन बताओ जो सेल सरफेस पे बाइंड नहीं करता है, या मैं बोलूँ वो रिसेप्टर जो सेल की सरफेस पे होते हैं उनसे बाइंड नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो टैडपोल का लार्वा है वो किस में डिस्टिंक्ट होता है, मतलब टैडपोल डिम्ब के शरीर में सुस्पष्ट दिखता है, क्या क्या सुस्पष्ट होता है, तो हेड भी होता है, ट्रंक भी होता है, टेल भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर सजेस्ट अकरेंस ऑफ, मैंने आपको पहले बताया था एच और डी, ठीक है, ए और सी, मतलब एनालोगस का कन्वर्जेंस, होमोलोगस का डाइवर्जेंट, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द जियो ज्योग्राफिक रिल्म, इसमें से कौन सा जियो ज्योग्राफिक रिल्म नहीं है, तो जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो माना है नियोजिया। ठीक है, नियोजिया नहीं, इसका माना है डी वाला, इसका डी करेक्ट आंसर माना है कि कौन सा जियो ज्योग्राफिक रिल्म नहीं है, तो वो माना है पैलियो आर्कटिक। ठीक है, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या इफ
द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज ए फंगस इज एंटायरली कन्वर्टेड इन टू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड. कहने का मतलब है जब एक थैलस है, मान लो एक फंगस है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं होलोकार्पिक. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हेरुडिनिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या है गलत है. तो देखो हेरुडिनिया के बारे में हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल गलत है. इसमें बोला है कि उसकी बॉडी कैविटी वेल डेवलप होती है, तो ऐसा नहीं होता है. हेरुडिनिया क्या मतलब, लीच. चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेंडल ने अपना जेनेटिक्स का काम किसके ऊपर किया है, तो वो किया है किसके ऊपर, पाइसम सटिवम के ऊपर. ठीक है, मटर के पौधे के ऊपर. अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो किसकी तरह कार्य नहीं करती है, तो अब आप आंसर देखेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह या स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह ग्लोबुलर प्रोटीन काम नहीं करता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है जो लैमिएसी फैमिली है, जो लैमिएसी फैमिली है इसका जो इन्फ्लोरोसेंस है वो किस टाइप का होता है, तो वो होता है हमारा कैसा, डाइक्सियल काइम और वर्टिसिलेस्टर, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है. चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमे बोलते हैं. ठीक है, या डीम बोलते हैं. अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस में हमारा क्या चीज़ बनता है, तो न्यूक्लियोलस में हमारा क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए. अगला क्वेश्चन है हमारा अनदर नेम ऑफ फैलोजन, फैलोजन के लिए दूसरा नाम क्या है, तो फैलोजन के लिए दूसरा नाम होता है कॉर्क कैम्बियम. चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो प्रोटीन एनिमल ओरिजिन की होती है उसमें क्या चीज़ नहीं होता है, तो भैया उसमें डी अमाइनो एसिड मौजूद नहीं होता है. किसको हम वॉल्फ मॉस बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं किसको, लिथारिया वल्पिना को. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो ओबेलिया की कॉलोनी है किसमें, वो ओबेलिया की कॉलोनी बताओ जो कवर्ड नहीं होती है, किससे, पेरी सेयर से. तो हमारा जो मेडूसा है ये होता है इसका करेक्ट आंसर, मतलब ओबेलिया की जो मेडूसा है, मेडूसा में पेरिसे कवरिंग मौजूद नहीं होती है. अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, एंजाइम के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो जब आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये इसके लिए क्या सही स्टेटमेंट है. ठीक है, ट्रू बताना है, तो ट्रू स्टेटमेंट हमारे इसके लिए यही है एंजाइम के लिए. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो चिक है, चिक का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, वो होता है 21 डेज का. ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइजोफोर इज नाइदर ए रूट नॉर ए शूट बट ऑर्गन स्वी जेनेसिस, ये किसने बोला था, तो ये बोला है बोवर एंड गोयबल ने. ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैक्टीरियोफाज वॉज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियोफाज को किसने खोजा था, तो ये खोजा है ट्वाट और हेले ने. ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्या जो स्पीसीज है पक्षिनिया की वो येल्लो रस्ट करती है गेहूं के ऊपर. ठीक है, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या था, पक्सिनिया स्ट्री फॉर्मिस. अगला क्वेश्चन है CO2 एक्सेप्टर शुगर केन में कौन होता है, तो वो होता है हमारा PEP, मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरविक एसिड. चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पायरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, ये NCERT से सीधा सीधा आया हुआ है. अगला क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, मतलब हाइड्रा में जो गोनाड्स का बनना है वो किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होता है, तो वो होता है एबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो हाइड्रा में गोनाड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है हमारा मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हमें किसमें देखने को मिलते हैं, तो वो देखने को मिलते हैं फ्यूनेरिया में. ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल्जिनिक एसिड कहाँ देखने को मिलता है, तो भैया ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल है उसमें हमको देखने को मिलता है क्या, एल्जिनिक एसिड. चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोस्ट कॉमन जो माइकोबायोंट है लाइकन में वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो होता है एस्को
माइसिडीज में, माइकोबायोंट का मतलब फंजाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि जो इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमी माइक्रो ट्यूब्यूल इज रेफर्ड एज 9+2 एरे। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये 9+2 अरेंजमेंट ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों में देखने को मिलता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन अडल्ट लैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ह्यूमन अडल्ट का, इसमें कौन सा एंजाइम नहीं होता है, तो वो क्या नहीं होता है, रेनिन। रेनिन जो होता है ये जो बेबी होते हैं मतलब बच्चों में प्रेजेंट होता है ये रेनिन एंजाइम, जो कि क्या करता है, उनके जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पक्सिनिया ग्रैमिनिस गेहूं के ऊपर कौन से स्पोर बनाता है। ठीक है, या मतलब कहूँ द डैश ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज फॉर्म्ड ऑन वीट, गेहूं के पौधे के ऊपर कौन से स्पोर्स बनते हैं पक्सिनिया ग्रैमिनिस के। ठीक है, तो वो मिलते हैं हमारे यूरिडो स्पोर्स मिलते हैं गेहूं के ऊपर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ जेनरा, कितने जेनरा होते हैं सिफेलोकॉडेटा में, तो वो कितने होते हैं हमारे, दो जेनरा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमसे पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसे प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है, तो ये हमारी किसकी परिभाषा होती है, अनुवांशिक की, मतलब हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है वो ये होती है। ठीक है, कि सेम कैरेक्टर्स का जाना या सेम लाइक क्वालिटीज का जाना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अगला क्वेश्चन है जो हिरुडिनेरिया है इसमें कितने खंड होते हैं, तो इसमें खंड होते हैं कितने, 33, मतलब 33 सेगमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, इन में से कौन सा सही नहीं है एम्फीऑक्सस के लिए। तो देखो एम्फीऑक्सस के लिए जो सही नहीं है वो है, माना है आयोग ने ऑप्शन नंबर डी, द फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि जो सोलिडॉन है, मतलब इसको फिश का नाम होता है जिसको हम डॉग फिश भी बोलते हैं, इसमें कपालीय तंत्री कितने जोड़े होते हैं, तो 10 जोड़े होते हैं इसमें भी और किसमें, फ्रॉग में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो निरूबियम स्पीसीज है इसमें किस टाइप का फाइलोटैक्सी देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है हमारे वोल्ड, मतलब चक्रीय। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड, इसमें से कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड होता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होता है इसमें कौन सा होता है, लिनोलेइक एसिड, ये होता है हमारा एसेंशियल एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फैटी एसिड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रिनोलाइटिक, फाइब्रिनोलाइटिक कौन सा इसमें से सब्सटेंस है, तो वो हमारा होता है प्लाज्मिन, जो है आयोग ने करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या प्रोकैरियोट्स में इनमें से कौन सी चीज एब्सेंट होती है, कहने का मतलब है प्रोकैरियोट्स में कौन सी चीज मौजूद नहीं होती है, तो भैया तीनों मौजूद नहीं होती है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जब सिफोनोस्टील कवर्ड हो स्कैटर्ड लीफ गैप में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोलिनोस्टील, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेढक में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो फ्रॉग में जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, 3 चैम्बर का होता है उसका हार्ट। अगला क्वेश्चन है ब्रांच कोनिडियोफोर किस में देखने को मिलते हैं, तो भैया ये तो पेनिसिलियम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा था एलील ऑफ ए जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। कहने का मतलब है अगर आपको इन चारों की डेफिनेशन आती होगी तो आप इसके आंसर तक आराम से सही से पहुंच सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी डेफिनेशन है ये हमारी किसकी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। ठीक है, कहने का मतलब है जो विषमयोजन का नियम है वो क्या था, इसका सही उत्तर था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच ग्रीन एल्गी, कौन सी ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है, तो वो होती है हमारी साइनोफाइटा, जिसको हम बोलते हैं BGA, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी हम इसको बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है
ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी और एपिपेटलस कंडीशन और एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलती है? तो ये हमको जो देखने को मिलती है किस में? सोलनेसी में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जो रोपेलियम है ऑरिलिया का, वो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको टेंटेक्लोस्ट इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि जो वायरियन होता है ये क्या होता है? तो जो हमारा वायरियन है इसको हम कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस बोलते हैं। कहने का मतलब इसमें न्यूक्लियो और कैप्सिड दोनों होता है। कहने का मतलब बाहर क्या होता है? प्रोटीन की कवरिंग, और अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच। बोलते समय जो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है वो करता है निश्वासित वायु के कारण, मतलब एक्सपायर्ड एयर के कारण। अगला क्वेश्चन है मेडुलरी बंडल्स सब में मौजूद होते हैं लेकिन इसमें मौजूद नहीं होते हैं। मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट एक्सेप्ट निकटेंथस, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। मेडुलरी बंडल्स इसमें मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो हमारा साइकन है, साइकन में कौन से टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है? तो जो हमारा साइकन है, साइकन में साइकन टाइप का ही कैनाल सिस्टम मिलता है। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ योक और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो फ्रॉग का एग होता है वो कैसा होता है? तो भैया वो होता है हमारा एक तो मेसोलिसिथल और टेलोलिसिथल, मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द गोनाड इज नोन एज, गैमेट का बनना गोनाड्स में इसे हम क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो पाइनस है, पाइनस में पोलन ग्रेन किस अवस्था में गिरता है? तो वो गिरता है जब वो चार कोशिकी अवस्था का होता है, उस समय वो गिरता है क्या पोलन ग्रेन पाइनस के पौधे से, मतलब ट्री है ये पौधा, तो क्या ही है? ट्री है, पाइनस का एक ट्री होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो यूरोमेस्टिक में वाई शेप्ड चेवरोन बोन होती है ये उसके किस वर्टिब्रेट में मिलती है, किस वर्टिब्रे में मिलती है? तो ये मिलती है उसके कॉडल वर्टिब्रेटा में। अगला क्वेश्चन है इसमें से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है हमारा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो सेकेंडरी पूछा है तो ओजोन क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या नरिश में जो ब्लड इज पंप बाय, नरिश में ब्लड कौन पंप करता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा हमारा क्या, हार्ट। आंसर होगा हमारा जो आयोग के द्वारा दिया गया है वो दिया है बी, डोर्सल ब्लड वेसल। ठीक है, बी आंसर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा है वो क्या है, रिलेशनशिप सबसे पहले किसने बताया था मॉस्किटो और मलेरिया के बीच? तो ये बताया है रोनाल्ड रॉस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये बताओ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? तो भैया ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं ये क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो फिनेरिया में स्पोर सैक है वो कौन बनाता है? ठीक है, या किसके द्वारा बनता है? तो फिनेरिया का जो हमारा स्पोर सैक है वो कौन बनाता है, एंडोथीशियम बनाता है। ठीक है, आयोग ने ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अडल्ट एस्केरिस में कितने टेस्टिस मौजूद होते हैं? तो वो होते हैं एक टेस्टिस। अगला क्वेश्चन है कि जो वॉटसन और क्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया था डीएनए का वो कौन सा था? तो वो बी टाइप का था। अगला क्वेश्चन है फ्लोरिडन स्टार्च, तो ये मिलता है हमको रेड एल्गी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसमें से कौन सा ल्यूकोसोलेनिया के क्लास को डिटरमाइन करता है, या फिर मैं ये कहूँ ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग का है? तो जो ये है ये हमारा होता है किसका, जो ल्यूकोसोलेनिया आता है ये आता है हमारा कैल्केरिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ विल बी, कहने का मतलब है अगर अर्थ में सारी कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाए तो क्या होगा, ये हमारा चंद्रमा जितना ठंडा हो जाएगा, क्या, हमारी पृथ्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो लाइफ साइकिल है टीनिया सोलियम का, या लाइफ साइकिल है टीनिया का, तो कैसा होता है? वो होता है डाइजेनेटिक, मतलब दो ऑर्गेनिज्म में
कंप्लीट होता है, ठीक है, एक तो ह्यूमन और दूसरा पिग। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, लाइफ साइकिल्स का ये बताना है सीक्वेंस, ठीक है। तो जो इसमें सीक्वेंस सही है वो है बी वाला, 2n है, डिप्लॉयड में मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद हैप्लॉयड बनता है, हैप्लॉयड में फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या बनता है, डिप्लॉयड कंडीशन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ट्राइसोमिक हम किसे बोलते हैं, तो ट्राइसोमिक हम बोलते हैं 2n+1 वाली कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमिक, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, जो पेपर मिंट है ये हमको किससे मिलता है, तो जो हमारा पेपर मिंट है ये हमको किससे मिलता है, मैंथा पेपेरिटा से, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर हमने जो पूछा है वो पूछा है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है एनालॉगी का, ठीक है, तो जो एनालॉगी का हमारा इसमें से एग्जाम्पल है वो क्या होगा, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ठीक है, पोटैटो इसमें स्टेम और रूट की दोनों ये क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, फ्रूट आर नॉट प्रोड्यूस बाय जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे है, फ्रूट मतलब जो फल है जिम्नोस्पर्म फल नहीं बनाते क्योंकि ये पाए जाते हैं मतलब बिना किसी अंडाशय के, मतलब इनमें ओवरी नहीं होती है क्योंकि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, अगर ओवरी ही नहीं है तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मॉडिफाइड प्रोटोस्टील जिसमें क्या होती है सेंट्रल पिथ, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेफेनो स्टील या सेफेनो स्टील या साइफो साइफोनो स्टील, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एम्फियोसिस के गेस्टुलेशन प्रोसेस में इनमें से कौन सी चीज होती है, तो न्यूरलाइजेशन भी होता है, नोटोजेनेसिस भी होता है, और मीसोजेनेसिस एंड सिलोम भी होता है, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इनमें प्रोसेस पूछा था एम्फियोसिस के गेस्टुलेशन में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है डबल सर्कुलेशन एंड डबल रेस्पिरेशन इज फाउंड रेस्पेक्टिवली इन, मतलब डबल सर्कुलेशन और डबल रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है किस में, ऑटोलॉगस और कोलम्बा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे क्या, रोटा वायरस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पैरामीशियम में जो पैरामीशियम है पैरामीशिन है वो कौन बनाता है, तो वो बनाते हैं हमारे कप्पा पार्टिकल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक में जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है सिनर्जिड सेल्स में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो स्टेटोसिस्ट होता है प्रॉन का वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो हमारा पाया जाता है कहाँ पर, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल में। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रेटरी ऑर्गन बताओ हर्ड मेनिया का या हर्ड मानिया का, जो हर्ड मानिया का एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो होता है न्यूरल ग्लैंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि जो हमारा फेराटीमा है इसमें जो सेप्टल नेफ्रिडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड डैश सेगमेंट्स, तो 14-15 सेगमेंट्स के पीछे मिलता है, मतलब उसके बिहाइंड मिलता है, मतलब 14 और 15 जो सेगमेंट है उसके पीछे मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मेमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रेनल मेडुला, रेनल मेडुला में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मिलता है, तो वो मिलता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नहीं, इसमें भी तुम्हारा जो आयोग है, आयोग ने गलत ऑप्शन दे रखा है, मतलब ऑप्शन जो लूप ऑफ हेनले है इन्होंने करेक्ट आंसर नहीं माना है। 122 का जो आंसर की में दे रखा है आंसर वो दे रखा है DCT, ठीक है। इसमें पूछा है ना मेमेलियन नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट रेनल मेडुला में मिलता है, तो आयोग ने ऑप्शन नंबर बी बता रखा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में होना चाहिए था क्या, फैशियोला अटैच टू द लीवर बाय, फैशियोला अटैच होता है लीवर से किसके द्वारा, तो जो हमारा फैशियोला है फैशियोला में होते हैं एक शकर, ठीक है, जो आयोग ने दे रखा है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कि वन शकर के द्वारा वो लीवर से अटैच होता है, कौन, फैशियोला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारी कार्डिनल कैनाल जो होती है वो इक्विसेटम के किस पार्ट में देखने को मिलती है या किस पार्ट में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है प्रोटोजाइलम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि जो हमारा हार्मोन शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, हु कॉइंड द वर्ड हार्मोन, तो हार्मोन जो शब्द है ये दिया गया है E.H. स्टेडलिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस। ठीक है, और उनके आंसर्स आपने देखे जो कि हमारे आयोग की आंसर की से मैच करा के मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।